औद्योगिक क्षेत्र प्रोटीबाला के बगुबाला गांव में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बगुबाला निवासी अभिलाष कुमार पुत्र राजेश कुमार की गौशाला में अवैध शराब की 1056 बोतलें बरामद की हैं। थाना प्रभारी प्रोटीबाला बहादुर सिंह की अगुवाई में ये छापेमारी की गई, जिसको लेकर पुलिस ने मौके से अवैध शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा, जिसके उपरांत आरोपी से पूछताछ में अहम खुलासे होने की आशंका भी है। डीवीएन पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और आए दिन नशे के कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में हमने पिछले दिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1056 बोतलें शराब बरामद हुई है और इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आज हम इसको अदालत में पेश करेंगे और वहां से इसका रिमांड हासिल करेंगे, ताकि रिमांड के दौरान इससे ये पूछताछ की जा सके कि ये व्यक्ति कहां से इतनी शराब, भारी मात्रा में शराब लाता है और किस किस व्यक्ति को बेचता है। अभी जांच चल रही है, ऐसा कोई बात ऐसी नहीं आई है कि इससे पहले भी इसके शराब के मामलों में संलिप्त था, लेकिन अभी जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सर शराब रिकवर कहाँ से करी गई है? ये इसके घर के पास ही गौशाला में, इसकी अपनी गौशाला में रखी गई है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।